दो बार आ लिया, माँ दो रहे दो बार आए, दो बार में छूट गई उसकी, दूसरी बार में छोड़ दे गया दारू। हाँ। और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आगे नहीं होंगे बच्चे। हाँ जी। और यहाँ माता रानी ने बोल दिया कि होगा टाइम दे, सर जी टाइम देगा, टाइम के अनुसार होगा, असली बात। अच्छा? देखो, हाँ, तो आठवां महीना लगे, आठवां महीना। अच्छा, दूसरे महीने हो, मैं हाँ, दूसरे महीने। विशेष सूचना आपको दे दूं, 24 फरवरी वार शनिवार, ये आने वाली अभी जो आएगा शनिवार को, बहुत ही विशाल जागरण और विशाल भंडारा माता रानी के नए दरबार में होने जा रहा है, जो जींद रोड पे है मुंडाल में। पहले झाड़ा में शिरका दर्द खु गया। हाँ। और इब घर की समस्या, घर की समस्या, लड़का दारू पीवा था, काम भी ना करा था। अच्छा। इब काम भी लग गया और दारू भी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाण और भाई फिलहाल खड़े हैं महामाया धाम मुंडाल में, मुंडाल खुर्द भिवानी से जींद रोड के बीच में और इसार और महम के बीच में, हाँसी और महम के बीच में मुंडाल खुर्द महामाया धाम मुंडाल, भक्तनी बबली जी के यहाँ। और काफ़ी सालों से, करीब 30 सालों से लगातार यहाँ पर दरबार लग रहा है और भक्तों के संकट कैसे दूर करती है, कैसे पूछा देखती हैं। और पूछा की तो भाई देखो, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, पीछे कितनी वीडियो में सब में देख लेना, लोग कहते हैं कि ये तक बताते हैं कि रास्ते में आपने कहा पानी भी पिया था। चाहे कैसा भी संकट हो, किसी प्रकार की बीमारी, हरी बीमारी कोई भी, सब कुछ बताती हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं लोग, ऐसा भक्तों का कहना है। और मैं उन्हीं भक्तों से आपकी बात कराऊंगा, बहुत सी माताएं बहने भाई आए हुए हैं, सभी से आपकी बातें कराऊंगा। दरबार चल रहा है माता रानी का, एक बार मैं दरबार के दर्शन करवा दें, कैमरामैन से कहूँगा माता रानी महाकाली के दर्शन एक बार सामने से, तो आप सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए इसके। ये महामाया है, सबसे बड़ी शक्ति जो है इस पृथ्वी की, इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति महाकाली। तो उस दुर्गे के स्थान पे खड़े हैं और हम बात करेंगे लोगों से। तो देखिए भाई, मैं इधर हो जाऊँ थोड़ा, मेरा थोबड़ा भी आ जाएगा नहीं तो। कहाँ से हैं आप? खेड़ी पत्थर गाँव से। खेड़ी पत्थर से पहले भी बात हुई थी शायद एक बार। हाँ, आपकी हाँ, तो आप पिछली बार हुई थी मेरी ख्याल। हाँ, हाँ जी। तो आपके क्या समस्या? समस्या बच्चों की थी, बच्चे जैसे IVF से हुए थे हमारे पहले दो गुड़िया। अच्छा। तो अब भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वैसे नहीं, दो लीव को नहीं हुए। हाँ, तो अच्छा। माता के दरबार में आए, माता ने 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर बिना दवाई वैसे बच्चे लग जाएगा इसका। तो अच्छा। हाँ, तब 2 महीने के अंदर ये माता ने वो दे दिया, प्रेग्नेंट है जी फिलहाल। अच्छा। तो पहले दो इससे हुए थे, IVF बोलते हैं जिसको, IVF। हाँ, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक नहीं, वो एक कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं इसको, उससे बच्चे हुए थे भाई। और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आगे नहीं होंगे बच्चे। हाँ जी। और यहाँ माता रानी ने बोल दिया कि होगा, टाइम दे सर जी, टाइम देगा, टाइम के अनुसार होगा, असली बात। अच्छा? ये देखो। हाँ जी। अच्छा, तो अभी 2 महीने गर्भवती है क्या आप? तो आठवां महीना लगे, आठवां महीना। अच्छा, दूसरे महीने हो, मैं हाँ, दूसरे महीने मिल गई था आपको संतान। अच्छा, तो ये तो बहुत कमाल की बात है भाई, माता ने कहा वो पूर्ण हो गया, तो सच है भी इसका मतलब। हाँ, माता शक्ति है जी पूरी। अच्छा? जी। हाँ जी। तो आप हर महीने आ जाते हैं? हाँ, आते हैं जी माता के दर्शन करने। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप गुड़िया बीमार रहा कर दी, 6 गुड़िया। अच्छा, सारी ठीक करने लगे। 6 गुड़िया थी और 6 बीमार रहा कर दी। और कदे आप कहाँ से हैं जी? गाँव रिठाल से। रिठाल? रिठाल फोकट। अच्छा अच्छा, आप भी रिठालते हैं? आप कैसे आए यहाँ? हमें से तकलीफ इसको ज्यादा रहा करती। अच्छा, तो माता रानी के दरबार में आने के बाद में ये सही रहे, ठीक होगी? ठीक हो। क्या तकलीफ रहा कर दी इधर? शरीर में दर्द रहा। कितनी साल तक रहा करता? बहुत साल हो गया सर। बहुत साल हो गई थी? हाँ। अच्छा। हाँ। खूब चलया कौन जा करता इधर? कई बार मतलब शुरू में आई जी, कई बार में जान तो ठीक हो गया, तो पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 2-4 बार। अच्छा, इस जमा ठीक से? हाँ। तो माता रानी ने ठीक करी, गोली दवाइयाँ तो कोई हुई? गोली दवाई बंद हो गई थी लागनी। अच्छा, गोली दवाई लागनी बंद हो गई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो देख लो भाई, चमत्कार माता रानी के। हम तो, आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। सारा राजस्थान कब्जा कर रहा है, कोई गांव भी होगा? राजस्थान, राजगढ़। राजगढ़ से है, बता दे। हाँ, मैंने कुछ हरियाणा का, हरियाणा का, हमें अमेरिका में जाके या और कड़े दूसरे स्टेट में तो बता उसका। तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल के बाद भाई तनख्वाह, तनख्वाह दें इतना आएगी? ना, तनख्वाह कौन दे? तो मेरे पहला गाड़ी घोड़ा हुआ सारा, बाद में कर्ज हो गए, तो फिर मैं शुगर की शिकायत थी मेरे। अच्छा। तो मैंने 12 जानो माता का नाम है, माता मैंने 12 जानो है, मेडिकल फिट होंगे कौन होंगे, चीज़ को मैंने पता भी कौन।
माता कहे भी तू जा, कोई दिक्कत को नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल आओगी। अच्छा। रिपोर्ट नॉर्मल आई। अच्छा। मैं बारह चल गए तो। अच्छा। बारहों फिर मैं वापसी आ गया। फिर दर्शन करना है दर्शन ना, मैं कई बार आऊँ इतना तो। अच्छा, तो डॉलर कमाने चले गया, डॉलर कमा लिया, रियाल कमाने गए, रियाल। अच्छा अच्छा, चलो तो भाई देखिए, माता रानी ने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया, आपका काम बन गया, बन गया। अच्छा, आज तो पूरा घर भी हमारा माता रानी के पर निर्भर है। अच्छा, माँ बच्चा सब कोई भी बात हुआ है बस माता रानी ने याद करे और ठीक हो जाए सारा। तो भाई ये चमत्कार कहेंगे और क्या कहेंगे। देखिए ऐसे ऐसे काम होते हैं, मेडिकल अनफिट आदमी नर फिट करके माता रानी ने विदेशों में भेज दिया और आज पूरा परिवार खुशहाल है इनका, बहन का, तो बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं जी? राम राम। बादरा से आता हूं। आप भी राजस्थान से हैं? बादरा तो हो। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हो? ना ना, कई बार आ गया। क्या समस्या थी आपको? आज यहाँ दर्शन करने। तो कोई को नहीं आओ दर्शन करने की, मैंने की तो गड़बड़ थी जी, चाहे ठीक होगी होगी, मान लें ईब दर्शन करने आंदे होगे, किस गड़बड़ थी बताओगे? गड़बड़ तो बहुत ही कई मामला। अच्छा, सारे ठीक हो गए? फिर एक दो बार आए जी, ठीक हो गए मामले? भाई तो बहुत हो गए। अच्छा, हां ईब जमा रेडी है? हां रेडी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत। कहां से? रोहतक से। रोहतक से? तो यहाँ माता रानी के दरबार में कब से आ रही हैं? मना दसवीं फेरी मेरी। दसवीं गिनती रखा है पूरी? पूरी रखो मैं तो माता। तो भाई इतनी फेरी क्यों लानी पड़ी, क्या समस्या थी? मेरे घर की भी समस्या थी, मेरे सर में दर्द रहा था, आपसे पहले बात हुई थी। अच्छा, सिर में दर्द ठीक हो गया? एक पहले फेरी में? पहले झाड़ा में सिर का दर्द खुल गया। हाँ। और ईब घर की समस्या? घर की समस्या, लड़का दारू पीवा था, काम भी ना करा था। अच्छा, ईब काम भी लाग गया और दारू भी कम कर दी। कम कर दी? हाँ। छोड़ी करी जाए कदे तू तू माता ने कौन छोड़ा इधर? दारू नहीं छोड़ा इतना है? मैं माता नहीं छोड़ी इतना। माता दारू नहीं छटवाओगे इतना? माता कम कर दी उन्हें। हाँ। काम लाग गया, काम नहीं करया करता बिल्कुल भी। हां, तो काम करके पियो पहले थाली पिया करता ये बॉडी ट्यूब का जा अपना है लेवा तो घर ही बैठ के बार यार दोस्ता में छोड़ दिया उसने बैठा। अच्छा, कोई बात नहीं, अब छोड़ देगा, चिंता ना करे। फिर तो माता रानी ने खूब कर दिया तेरे, खूब कर दिया। बामडोली ते बामडोली यो बांगड़पुर का नाम से, इसका बांगड़ को नहीं होता लठ, इस तरह का नाम से। तो आप कब से आ रहे हैं? मैं तो गर्मियां मान लगी थी। गर्मियां मान लगे थे, दूसरी गर्मी आ गई। और अच्छा, क्या समस्या है? पेट में दर्द रहा था, वो तो ठीक हो गया, थोड़ी सी कीमत हो गया कि मैं रह रहा है। मैं तो नुके ठीक हो गया और मैं नुके थोड़ा रह रहा है। दर्द तो ठीक हो गया कि मैं भी कि मैं दिक्कत कम होगी कि मैं रह रही है घर की। अच्छा, पेट का दर्द ठीक हो गया? पेट का दर्द घर की समस्या रहेगी थोड़ी। दारू पिया करता वहाँ बंद होगी पीनी। अच्छा, तो कणखरी तो दारू वाले चक्कर मारी है, छोड़ दी दारू? और कितने दिन में छोड़ दी थी? शुरू में आई जितने छोड़ दी थी माता रानी ना? वो दो बार आ माँ धोरे, दो बार आए, दो बार में छूट गई उसकी, दूसरी बार में छोड़ गया दारू। खुद आया ना छोड़ी है, खुद ना की देखा भाई, वास्तव में सच्चा दरबार है जी, छोड़ी। हाँ, जो छोड़ दी। कमाल हो गया भाई, कितनी साल से पिया करता रे? कई साल हो गए थे, गिनती भूल रही तू भी। चलो पांच दस साल तो होगी होंगी, दस और। तो इतनी साल का दारू पीने वाला आदमी दारू छोड़ दी भाई माता रानी के दरबार में आना तो बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से? फरमाना से जी। फरमाना से। आपका क्या समस्या? घर की समस्या थी जी। थी, ठीक होगी? थोड़ी थोड़ी रह रही है, कुछ थोड़ी थोड़ी रह रही है। तो थोड़ी थोड़ी और कह दे माता रानी इनको ठीक करो, माता रानी थोड़ी बहुत रह रही है, ठीक हो गया सारा सिस्टम? ठीक, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से हैं? प्रेमनगर से। प्रेमनगर से। तो आप कब से आ रहे हैं कैवराली? मैं जी तीन चार अच्छे पाँच साल तक हो गए। आपको क्या समस्या है? थोड़ा नीचे कर लेना था, आराम से बैठ से। मेरा जी वो तो माता रानी बताऊँगी, बताइए कौन सी बताई पाँच साल में ना? वो तो होली पूरी जी, वो तो और समस्या। समस्या थी पहले ठीक हुई वहाँ जी? मेरा जिस स्त्रिया चार लड़की थी। अच्छा। लड़कियाँ की जरूरत थी मने, तो फिर माता ने दो बेटे दिए। दो बेटे दे दिए माता ने? दो बेटे। कितने दिन बाद में दे दिए थे? वो उसी टाइम दे दिए थे। अच्छा। हाँ, जोड़ गए थे? जोड़ ले को नहीं, मतलब अलग अलग हो थे वैसे तो। फिर वैसे जिस टाइम पे मैं आई थी उसी टाइम उसने बोल दिया था के हो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ता ई बोर की समस्या इस घर परिवार की है? अच्छा, वो अच्छा, जो बताऊंगी वो माता रानी ने बताया है जी। अच्छा, जो सच्चाई बताऊंगी जो उन जो ठीक है उनके लिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, वो हमेशा रहेगा। अब विश्वास कायम हो, दो बेटे दे दिए तो विश्वास तो होना था।
आप कहाँ से जी? पापड़ तो जी। आपके क्या समस्या है? कुछ ना जी, बस नो दर्शन करने का। दर्शन करने आगे? हाँ। सीधे क्या समस्या थी? कम में कम चल रहा था घर का। चल पड़े? हाँ चल। सही सही चल। अच्छा, कई बार तो चल पड़े था, मतलब लाल में तो दो तीन भाई थी जिधे राम हो गया था। अच्छा। हाँ, मेरी गुड़िया बीमार रहा कर दी, छह गुड़िया। अच्छा। सारी ठीक करने लगे। छह गुड़िया थी और छह किसो बीमार रहा कर दी। और कदे पेट में दर्द, कदे सिर में दर्द, मेरा हो रहा सिर में दर्द, मैं ठीक को नहीं रहती। अच्छा, गुड़िया ठीक होगी, छह किसो? हाँ, सारी कोई समस्या नहीं उनका? कोई समस्या। अच्छा। दो गुड़िया ब्याह रखी है। अच्छा। एक गुड़िया के बालक को नहीं थे, चार साल हो गए थे। अच्छा। माँ ने दूर बैठी थे प्रसाद दिया था। अच्छा। तीसरा महीना लग गया। अच्छा। बच्चा वाह भाई वाह, कमाल हो गया। हाँ। आप तो माता रानी पूरी पूरी खुश हो रही माता रानी आप पूरी माता रानी। चलो अजी, कहाँ से हैं? बैसी से। बैसी से। तो आपका क्या समस्या? समस्या तो जी, मेरे छोरा का सांप लड़ गया था, कीड़े ने मुंह लगा दिया था। अच्छा। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, माता रानी ठीक कर दिया था। अच्छा। और मेरा हार्ट अटैक की शिकायत थी जी। अच्छा। उसमें राम है। अच्छा। कड़म दर्द में राम को ना जी, हो जाओ। अच्छा। कड़ के दर्द में राम को ना, बाकी तो छोरा का लड़ती ले आए थे क्यों रे? ना जी, डॉक्टर का डाया था, डॉक्टर ने जवाब जवाब दे दिया। अच्छा, के बोले डॉक्टर भाई कौन बचे? बोले भाई इसकी इसका जहर चढ़ रहा है, बोले इसने ले जो अपने घर। अच्छा। फिर हम माता के दरबार में ले आए, माता रानी ठीक कर दिया। ये जो मराड़ी है, फिर माता ने ठीक कर दिया। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गेटी में दिक्कत थी मेरे। गेटी में क्या दिक्कत थी भाई? इन्फेक्शन बद रहा था। अच्छा, कितने दिन थे? पाँच छह महीने थे। पाँच छह महीने थे। तो डॉक्टर ने दवाई दुई ली, तो डॉक्टर ने क्या बताया? इन्फेक्शन भाई, इन्फेक्शन है। उससे ठीक को नहीं हुई फिर उन डॉक्टर ने? ना, मैं देसी भी लेगी थी सुवाड़ थे। अच्छा। फिर घना आराम को नहीं हुआ, इबराम से। इबराम से उरे आन थे। दूस क्या बराली? दूसरा ही आई। आज दूसरा ही आई है? एक बार आन थे आराम हो गया है? इब गड़ा गड़म दर्द कम हो गया किस तरह? हाँ, नहीं इब कौन दुख है इतना? दुख था को नहीं? ना। खाना खुना खाने में कोई दिक्कत को नहीं? ना, कोई दिक्कत। एक झाड़े में? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत। क्या बात है, तो फिर तो माता रानी की कृपा थी भाई इतनी। हाँ। तो तेरे ऊपर तो डॉक्टर है, बीमारी है कौन थी? हाँ, इन्फेक्शन बता रखा था मेरे। मेरा राम है। चलो, कहाँ से है? तालू से। वो अच्छा अच्छा, तो आप माता रानी के दरबार में कब से? मई चार महीने हो गए। चार महीने हो गए। क्या समस्या थी? शरीर पे थी समस्या और दो। हाँ। अच्छा, कितने साल थे थी? या दस ग्यारह साल थे। दस ग्यारह साल थे। तो ये बुरा आनते ठीक होगी? हाँ, जमा। हाँ। कोई समस्या कौन रही है? हाँ। अच्छा, माता रानी ने क्या बताया? माता रानी ने बोली ऐसे ऐसे आपके उसके शरीर पर कोई छावा छाया है। अच्छा। हमारे माता रानी ने झाड़ा लगा दिया और बताया था, वो कर दिया था। हाँ। पूरा आराम है। पूरा आराम से? हाँ, कोई समस्या ठीक होगी? हाँ, पूरी पूरा विश्वास है माता रानी पर। मैंने दस ग्यारह साल तक पियर में भी विश्वास था माई पर। अच्छा। मेहंदीपुर गई थी उड़े भी। अच्छा। काली माई का मंदिर था तीन पाड़ पे। अच्छा। उड़े पूरा विश्वास था माता रानी पर। वाह भाई वाह, बहुत खुशी की बात। के नाम है? कविता। कविता शाम से तो हमारे पड़ोसी है तुम तो। थोड़ा आगे ये कहूँ, मेरे कन्ना देखे ना मारना खगड़ की डाले, थोड़ा गिर लो जा, मन डर लग गया। पहली बूढ़े आदमी है तो मार दे डोगा। आप यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। क्या समस्या है बताओगे? बस माता का दर्शन करने के लिए आ गई। वाह जी वाह, बहुत खुशी की बात। फिर तो भाई इधर तो किमिन की मैं तो माता के दरबार में आवा। अच्छा, पॉइंट आ तरह जा नौकरी में तो माता के दरबार में लेके माता बैठ देगी। बहुत नौकरी लगाए हैं, बहुत लगाए हैं। आप जागरण में देखना 24 तारीख को आना, कितने लोग आए, कितने बच्चे आएंगे, युवा युवा सारे रात सेवा करेंगे। वह नौकरी छुट्टी ले लेके आओगे बाकायदा। नुके भाई माता रानी ने लगा दी। बहुत बढ़िया। तो देखो, आपके क्या समस्या थी? भाई लड़का का दिक्कत थी, छोटा लड़का सात साल का, पेट में दिक्कत थी उसको। ठीक हो गया? हाँ, इन्फेक्शन था पेट में। पेट में इन्फेक्शन था, ठीक हो गया? हाँ, आराम हो गया। माता एक साल तो था उसकी समस्या है? उसको पाँच छह महीना तो थी, बहुत दवाई दवाई पैसा लगाया, नहीं ठीक होया। फिर किसी ने माता का दरबार बताया, यहाँ पे आए, जब ठीक हुई बिल्कुल ठीक हो गया। रिपोर्ट करवा ली डॉक्टर? हाँ, रिपोर्ट करवा ली डॉक्टर से, नॉर्मल बिना दवाइयां ठीक हो गया। हाँ, दवाई बात है भाई। देखो दर्शकों, एक बात मैं भी पत्रकार होने के नाते मैं मान्य कौन करता इन बातों, लेकिन इन धामा पर जानते हैं मेरे भी नहीं होने लगी अख डॉक्टर डॉक्टर की मैं को नहीं भगवान का आगे। तो ये दरबार में आनते देखिए, बिना दवाई और बच्चे का इन्फेक्शन छः महीने पुराना,
डॉक्टर का डाली छह महीने कोनी ठीक हो यार माता रानी का दो बार तीन बार आते जम्मा ठीक हो गया डॉक्टरी रिपोर्ट भी करवा ली बिल्कुल सही आई बिल्कुल सही आई जी। अब दो चमत्कार है ये चमत्कार और क्या कहें क्या नाम दें इन चीज को आपको बोले ना फंड से कोई न्यू नीचे कमेंट भी आ जाएगा ना कई बार बोले इन्हें बुढ़ाओ है तो ये जनता बुढ़ाओ है भाई मैं कौन बुढ़ाता ये झूठ की दुख दर्द वाले झूठ कौन बोले अगर कहते जो बीमार है वो झूठ बोलेगा जिसकी समस्या ठीक हो जाए वो झूठ बोल लगा के नहीं होगी तो उन्हें कहेगा भाई कौन हुई मेरी कहाँ से हो बामण वास्ते अच्छा भाई तो आपका क्या तकलीफ है भाई मैं दब जाया कर दी यानी इसका मतलब पहली आ ली तू हाँ अच्छा चौथी बार आई है तो दब जाया कर दी हाँ। फिर उड़ान ते आराम है पहली बार में हो गया ना तीसरी बार में हुआ था तीसरी बार में होया हाँ। दब दी कोनी ना कि मैं दिखा करता के हाँ के दिखा करता दब जाया कर दी आराम है अच्छा ऊँ शरीर पर वजन सा हो जाएगा कितनी साल तक दबाया कर दी मेरे 10-11 साल हो गए थे अच्छा ये ठीक हो तो आपका किस विषय है बस घर की ये समस्या थी कई बार आ ली तो बताई माता रानी ने कुछ समस्या हाँ बताई है माता रानी सच्ची बताई सारी बात सारी बिल्कुल बिल्कुल मतलब लुगाई बताई तो बुला दिया करे मानस तो सारी बुलाने वाली बात तो कौन बताई कोई कोई बोला कोई पीड़ तो नहीं मारा कि सही सच्चाई सारी सच्ची बताओ अच्छा तो समस्या में कि सुधार होना शुरू हुआ सुधार तो है सर जब आओ नहीं तो पुनः होता बात भी सही है सुधार नहीं तो कोई कोई एक दो और बाट देखे अगर हाँ भाई आराम लग गए नहीं लगे दूसरे का तो टाले से फिर कोई कोई आओ या भीड़ जिबे लग गए जिबे लग आराम हो आराम हो सही बात बिल्कुल सही बात बाप भी अड़े इतने साल हो मान ले आओ हो तो नहीं आओ हो बिल्कुल जब पूरे भाई तर भर के नुकन लग जा रखी मैं कौन तुम्हें करूँ दर्शन करने जा अच्छा मेरे तो माता रानी ने देखे 16 दिन ले रखे हैं अच्छा और मैं तो आड़े गाड़ी कुछ चढ़िया ना जीरो बैलेंस पे जा रहा था अच्छा क्या बात वाह तो देखिए भाई माता रानी के दरबार में सब क्या है ठाठ नहीं हो जाए आदमी के और वो फिर क्यों नहीं मानना गा वो धन्यवाद तो भाई आप लोगों ने सभी की बातें सुनी निर्णय करें आप कैसे कैसे पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हैं महामाया धाम मुंडाल के नाम से निकाल सकते हैं बहुत सी वीडियो हैं अनेकों चमत्कार भरे पड़े विशेष सूचना आपको दे दूँ 24 फरवरी वार शनिवार ये आने वाली अभी जो आएगा शनिवार को बहुत ही विशाल जागरण और विशाल भंडारा माता रानी के नए दरबार में होने जा रहा है जो जींद रोड पे है मुंडाल में बहुत ही विशाल भंडारा और विशाल जागरण बहुत अच्छे अच्छे कलाकार गायक कलाकार यहाँ आपके मनोरंजन करें झांकियों वाले कलाकार होंगे बढ़िया बढ़िया झांकियां सात्विक झांकियां फंडाली नहीं भाई बिल्कुल कभी सोचते हो फिल्मी गाने आप डांस करेंगे ऐसी ऐसी झांकियां जो बहन बेटी माताएं सभी बैठ के देखें ऐसे धार्मिक गायककार बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भरमार रहेगी कलाकारा की आपको और माता रानी का दरबार भी लगेगा और माता रानी तुरंत निर्णय भी करेंगी और वहाँ भी आपको बताया जाएगा सब कुछ यदि समय लगता है तो जो ही तो आप लोग आएँ और जिनके काम हो रहे हैं एक बात और बता दूँ भाई मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा आप पूरे रात पूरे जागरण में आप लोग जो ठीक हुए हैं वो जरूर आना भाई जो नहीं ठीक हुए हैं वो उससे भी जरूर आना क्योंकि मैं सारे पूछना चाहूँ भाई तुम ठीक क्यों को नहीं हुए कितने दिन आए जो ठीक हुए वो भी एक आधा कोई ईसा भी बंदा है जो ठीक नहीं हुआ हो वो जरूर आए सभी का भाई मैं आपका लोगों का इंतजार करूँगा वहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि जहाँ भंडारा लगता है चाहे कहीं भी हो यहाँ माता रानी के नहीं मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो भंडारा चाहे उसमें 10 रुपये सहयोग देते हैं ना आप 10 भी लाखों लोगों तक उसका दाना पहुँचता है क्योंकि 10 रुपये की एक आदमी को हम चाय पिलास का गणित गणित समोसा खवा दिखा समोसा भी कोई ना 20 का दे 10 रुपये यदि भंडारे में डाल दिए तो उसका अंश जितने लोग खाएंगे कीड़ी मकोड़ी आदमी जितने भी सब मजा आएगा आपका हो सबसे बड़ा धर्म होता है भंडारे में दान देने का तो भंडारे में अवश्य दें कुछ ना कुछ अपने पास से जिनके काम हो रहे हैं वो खुशी खुशी हमें बताएं सारी बात पूछाएंगे और सारे आए भाई अपने परिवार आए ले आए यार मित्रों को लेके आए तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा वीडियो को शेयर कर दें जय हिंद नमस्कार।